हाय, वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज इजरामिक हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं, उसका नाम है समी। और आज हम समी की फिफ्थ एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। समी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एक ऐसा ड्रामा है जो बेस करता है अराउंड द कस्टम ऑफ वनी। वनी एक ऐसा कस्टम है जिसमें किसी लड़की को बाटा कर दिया जाता है कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। पाकिस्तान में ये कस्टम इलीगल है। कुछ कल्चर्स, कुछ जगह, कुछ फैमिलीज, कुछ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज ऐसी होती हैं जो इस तरह के कस्टम को यूज करती हैं अपने पावर को एग्जर्ट करने के लिए अपनी कम्युनिटी में। एंड ऑब्वियसली इस चीज के अगेंस्ट सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। सो इसका इम्पैक्ट ये आता है कि गाँव देहात में बैठी कोई भी लड़की जिसके साथ अगर ये नाइंसाफी हो रही है या उसने अपने आसपास होती देखी है, तो वो इस उसके जहन में या उसके दिल में ये चीज आ सकती है कि जो उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वरना होता ये है कि लड़कियां अमूमन इसी चीज को अपना फेट समझ लेती हैं और कोई फाइट बैक भी नहीं करती हैं। और उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो भी उनको यही समझाते हैं कि बेटा तेरा तो मुकद्दर यही है। और मेरे ख्याल से फैमिलीज को भी थोड़ा सा समझ में आता है कि जब वो इस तरह लड़कियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो जब वो लड़कियां बेयारो मददगार और इस तरह वो रुलती फिरती हैं तो उनके साथ क्या होता है। और वो भी इंसान है, वो भी आप ही की औलाद है, तो उनसे इतनी नफरत और उनसे इतना बुरा बर्ताव क्यों? बेटे को बचाने के लिए इतनी सारी तगुदो, इतने सारे काम, इतने सारे पापड़ बेल रहे हैं आप, और बेटी को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, भूल गए हैं जैसे कि आपकी कोई औलाद नहीं है। सो इन दिस एपिसोड ऑफ समी वी सी दैट मावरा हुसैन कैरेक्टर, दैट इज समी, दैट्स द नेम ऑफ द कैरेक्टर, समी जो है वो शहर पहुंच जाती है। और सानिया सईद का जो कैरेक्टर है वो एक रूढ़ सा, अंकुश सा, एक बड़ी वैसी सी सख्त दिल और सख्त जान किस्म की खातून है जिन्होंने राशिद से मोहब्बत की थी। उनका नाम चांदनी होता है। उन्होंने राशिद से मोहब्बत की थी और राशिद से मोहब्बत के इस एवज में वो समी को उन्होंने अपने पास रख लिया है। एक अजीब किस्म की अब्यूसिव सी रिलेशनशिप है बिटवीन राशिद एंड चांदनी। वो उन पर ट्रस्ट भी करते हैं, वो भी उनकी एक ऑब्सेशन में मुब्तला है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मोहब्बत ऑब्वियसली कहीं ज़्यादा आगे तो नहीं जाएगी, क्योंकि राशिद की शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उस औरत से उनके काफ़ी सारे बच्चे हैं। और मावरा ने इसमें बहुत अच्छी अदाकारी की है। मावरा का काम कंसिस्टेंटली इस प्ले में बहुत खूबसूरत है। और इस एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें मावरा जो है वो सानिया सईद के पैरों का पेडिक्योर कर रही है। ये जो काम है या जिसको हम बड़ा लाइटली लेते हैं पाकिस्तान में, इस लेबर को बहुत चीप कंसिडर किया जाता है, बट ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स दैट यू कैन बाय, एंड इट्स कंसिडर्ड ऑल्सो वेरी ह्यूमिलिएटिंग एट टाइम्स बिकॉज यू आर स्क्रबिंग समबडी एल्सेस फीट। सो आई थिंक दैट्स अ ब्यूटिफुल वे दैट द राइटर हैज़ नूर हुदा शाह हैज़ सॉर्ट ऑफ इनकैप्सुलेटेड ये जो उन्होंने इस प्रैक्टिस को एक ह्यूमिलिएशन एज वेल एज एक जिंदगी का एक लाइफ लेसन जो उन्होंने इसको बनाया है, वो बहुत खूबसूरत से उन्होंने तरीके से उन्होंने कलमबंद किया है और उस पर उनको बहुत तारीफ करनी चाहिए उनकी। साथ ही साथ अदाकारी जो सानिया सईद की है वो इतनी ज़बरदस्त है दैट इट्स अम्यूजिंग, इट्स इंटरटेनिंग एंड इट्स ऑल्सो हॉरिफाइंग, बट इट्स ऑल्सो वेरी ट्रू बिकॉज इस तरह के कैरेक्टर्स बहुत हैं। जैसे वो कहते हैं कि मैंने सिफर से ज़िंदगी शुरू की, ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू की, तो जो सिफर से ज़िंदगी शुरू करते हैं उनकी पर्सनैलिटीज़ ऐसी ही होती हैं, वो सख्त दिल सख्त जान किस्म के लोग होते हैं। एंड दिस इज एन स्पेशली क्यूट सीन विद मावरा वेयर शी सीज अ गर्ल विद अ फेस मास्क ऑन इट एंड शी जस्ट स्क्रीम्स, सो दैट्स अ कल्चरल शॉक दैट शी रिसीव्स, जो अर्बन लाइफ का जो एक कल्चरल शॉक है जो उनको मिलता है, एंड दैट्स ऑल्सो ब्यूटिफुली रिटन एंड पोर्ट्रेट बाय नूर हुदा शाह एंड मावरा हुसैन। कभी कभी प्ले में थोड़ा सा लल फील होता है, और वो इसलिए फील होता है क्योंकि जो प्लॉट इटसेल्फ है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा। अगर आप विलेज वाले सेटअप में अगर देखें जो सीन्स चल रहे हैं, तो उसमें कोई प्लॉट में कोई ख़ास पेशरफ नहीं हुई है। अलबत्ता जो सिटी लाइफ यानी जो मावरा जो जिस पोजिशन पर है वहाँ पर बहुत फील्स लाइक दिस लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, एंड आई थिंक इट्स द एक्टिंग that gives you this feeling, it's the acting that makes you feel charged about the storyline. ek aur bahut acha scene jo mujhe laga wo Nadia Afghan ka jo character hai ki wo jo nurse hoti hai unki jo bhai hai unhone unki upar jayadad ke upar sort of qabza bhi kar liya hai, wo kehti bhi hai ki kya mere liye tum कुछ नहीं छोड़ के गए, अपने बाप से वो एक मुकालमा करती हैं गायबाना किस्म का, और वो कहती भी है कि क्या बेटियों का कोई हक नहीं होता, एंड दैट्स सो ट्रू। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस दैट हर ब्रदर सेज टू हर, वो ये कहता है कि ना खुद को अकेला समझना और ना खुद को इंडिपेंडेंट समझना, आज़ाद मत समझना, यानी दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आज़ादी का समझौता करना ये एक औरत के लिए इस तरह ज़रूरी है। कैसे कुछ लोग जो हैं उसकी इस माशी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं, उसका भाई उसको अपने माँ बाप के घर में रख के उससे किराया लेता है और उससे बिल्कुल कोई ऐसा अपनों वाला सलूक नहीं करता, उसकी भाभी भी उससे बहुत बुरा सलूक करती है,
तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनको देख के दुख होता है, और माँ बाप को चाहिए डेफिनेटली, और अगर आपके पास माँ बाप के पास खुद एसेट नहीं है तो उनको चाहिए कि वो बेटियों को इतना स्ट्रांग और फाइनेंशियली मजबूत बनाएं कि कल को अच्छा बुरा वक्त पड़ने के लिए वो अपने आप को खड़ा कर सकें, और वो खुद अपनी तनतनहा भी चाहें तो अपनी जिंदगी बना सकें। उनके भाई उनको एक और जुमला भी कहते हैं कि तुम तो सारी जिंदगी औरतों के बच्चे पैदा करती हो और जाया करवाती हो, तुम्हारे हाथ 24 घंटे इस गंदगी में पड़े होते हैं। ये भी बहुत एक अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस काम को अच्छा नहीं समझा जाता, इस काम को नर्स के काम को गंदा समझा जाता है। एक फिल्म रिलीज हुई थी पैच एडम्स के नाम से, अगर आपका गुजर हो तो वो फिल्म जरूर देखिए। इट वाज अबाउट अ मैन हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर बट ही इज क्वाइट ओवर एज बट ही लव्स वर्किंग विद पीपल, सो वो डॉक्टर बन जाता है। तो उसमें एक सीन है जिसमें वो कहते हैं, पैच एडम्स उनका कैरेक्टर का नाम होता है, इट्स प्लेड बाय द लेट रॉबिन विलियम्स, ब्यूटिफुली प्लेड बाय हिम एक्चुअली। उसमें वो ये कहते हैं कि द रियल हीरोज आर द नर्सेज, जो सब आपकी गंदगी साफ करती हैं, खून साफ करती हैं, गोश्त साफ करती हैं, ये जो लोग हैं, ये जो आपकी गंदगी उठाते हैं, ये रियल हीरोज हैं। और वाकई ये काम मैं और आप शायद कभी भी ना कर सकें, और जितनी खुशसलूबी से और जितने तमीज से और तहजीब से ये लोग ये काम करते हैं उस पे उनको सलाम पेश करना चाहिए, ना कि उनको धुतकारना चाहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस रिव्यू, थोड़ा लंबा भाषण हो गया है बट थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी, सॉरी अबाउट द वॉइस, इट्स गॉटन रियली बैड आफ्टर स्क्रीमिंग फॉर ऑल द मैचेस दैट आई हैव बीन सीइंग इन द पाकिस्तान सुपर लीग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, आप मुझे कैच कर सकते हैं pattari.pk पे, आपके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा फेसबुक ट्विटर पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, द रिव्यू विद महावश के नाम से मैं वहां मौजूद हूँ, और लिंक दिए हुए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।